वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना। वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना। आई थिंक आज थोड़ा सा नेट स्लो है, तभी अभी तक मेरे पास कोई रिवर्ट नहीं आया। चलिए, आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपको सुन पा रहे हैं। थोड़ा सा चैट मुझे स्लो लग रहा है पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज माय डियर फ्रेंड्स मैं आपके साथ जुड़ा हूं रिवीजन थ्रू एमसीक्यू सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सवाल इसे देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंट पोल्यूशन का टॉपिक है। एनवायरमेंट पोल्यूशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे इन एमसीक्यूज की फॉर्म में और देखते हैं कि आप कितना जानते हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, उसके लिए मिनी कॉम्बो पैक जिसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन पर वीडियोज मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट कॉम्बो पैक पेपर 1 पे सब कुछ मिल जाएगा। पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए फ्री स्नैपशॉट नोट्स हैं, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व्ड विद एक्सप्लेनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है एनटीए के फॉर्मेट में, वीडियो कोर्स है। सभी कोर्सेज का कॉम्बो भी लेना चाहें पेपर 2 का या फिर पेपर 1 और 2 का, वो भी अवेल कर सकते हैं। केवल प्रैक्टिकल यूनिट्स भी अलग से ले सकते हैं और इसके साथ ही माय डियर फ्रेंड्स एक्स्ट्रा 15% ऑफ अवेल कर सकते हैं आप सभी वीडियो कोर्सेज पे। आपको प्रोमो कोड NTA NET अप्लाई करना है। चलिए, सभी को वेरी गुड इवनिंग। काफी सारे फ्रेंड्स आज मेरे साथ जुड़े हैं, सोना, मुस्कान, कृतिका, मदीहा, ग्रेड अप, विनूथा, सौरभ, रश्मि, पुष्पा, शेषनाथ। चलिए, मुझे देखने को मिल रहा है कि वीडियो इज स्टक। चलिए, तो दोबारा से मैंने रिकनेक्ट किया है। अब मुझे बताइए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई थिंक अब इशू ओके लग रहा है मुझे। आई थिंक वीडियो स्टक है, ऑडियो तो क्लियर है। अगर ऑडियो क्लियर है तो हम चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो स्टक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो में अपनी फोटो यहां से हटा देता हूं, है ना। फोटो को हटा देते हैं और बिना फोटो के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये अपनी फोटो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। लीजिए, फोटो मैंने यहाँ से अपनी हटा दी है। चलो ठीक है, वो कह रहे हैं वॉइस इज क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वॉइस क्लियर होनी चाहिए, बाकी कंटेंट आपको साथ साथ हम बताते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमारा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स विच इज आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। आपको बोला है इनमें से कौन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स से आपको पहचानने हैं। 1, 2, 3 गिवन है। 1 है पैन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स, ओजोन और तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। कोई बात नहीं, मधु मेघानी जी पिक चिपक गई थी, मैंने उसे उतार के साइड में रख दिया। अब मैं आपके साथ जुड़ा हूं बट बिना फोटो के जुड़ा हूं। चलिए, हो सकता है कुछ नेट में इशू होगा, बिना पिक के काम कर लेते हैं आज, है ना सर। वैसे ही आप तो हमारी आंखों में बसे हो, हमें फोटो की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें एमसीक्यूज दिखा दीजिए ताकि हम उनके आंसर फटाफट से दे सकें। तो पहला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड स्क्रीन पे आ चुका है। अगेन चैट भी आई थिंक थोड़ी स्लो है, तो मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पूछा गया विच इज आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जब भी हम टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो मेन दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरी होती है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो हैं जो कि एनवायरनमेंट में डायरेक्टली रिलीज कर दिए जाते हैं। जैसे माय डियर फ्रेंड्स, मैं कार चलाता हूं तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है हमारे थर्मल पावर प्लांट से। ये सब चीज़ें जो निकल रही हैं ये डायरेक्टली एक सोर्स से निकल रही हैं। तो ये हमारी सारी प्राइमरी पॉल्यूटेंट बन जाती हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट जैसे हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड, हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब मिल जाएं और कोई नया कंपाउंड बना दें, यानी कि हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो हैं वो आपस में रिएक्ट करके कुछ नया पॉल्यूटिंग सब्सटेंस बना दें, तो हम उसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का नाम देंगे। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली सोर्स से निकला और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बना। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि आपके जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो मिलकर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन जो कि एक डेंजरस गैस है, वो रिजल्ट करते हैं और साथ ही साथ पैन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स में रिजल्ट करते हैं जो कि हमारे फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट भी बनते हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यहाँ पे बन जाते हैं। तो हमारा जहाँ पे आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 आंसर है और काफी सारे आंसर सही भी थे बट कुछ गलत भी थे, तो प्लीज एक बार इसे देख लीजिएगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आपका है वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है क्योंकि वो डायरेक्टली एमिट हो रहा सोर्स है, बट आपके जो पैन और ओजोन है वो आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली मैं ओजोन नहीं एमिट करता, मैं दूसरी चीजें एमिट करता हूँ और उनके रिएक्शन से ओजोन बन जाती है। चलो जी, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन का सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड इज क्लासिफाइड एज अ क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। तो ये भी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट पे ही सवाल है। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं वैसे ही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट भी होते हैं। तो बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट है। रीजन दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड इफ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन नॉर्मल ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज कॉजेज मेजरेबल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और प्रॉपर्टी। तो कहा गया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी ये ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट, प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचाएगी। अब आपको पहले तो ये पहचानना है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट में फ़र्क क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड किस कैटेगरी में आता है। फिर आपको रीज़न को पहचानना है कि जो रीज़न यहाँ पर दिया है अपने आप में ठीक है और क्या करेक्ट रीजनिंग बैठती है या नहीं बैठती, ये चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। और आंसर तो मेरे पास आने शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी और ए के आंसर मेरे पास आ रहे हैं और यहाँ पे सही आंसर माय डियर फ्रेंड्स जो है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, जो कि अगेन मुझे कई मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर डी। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट सर क्या होते हैं, एक बार बता दीजिए। तो क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट माय डियर फ्रेंड्स वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि आपकी एनवायरनमेंट में नेचुरली ही अक्कर कर रहे हैं। सर, एनवायरनमेंट में नेचुरली भी पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। देखिए, कुछ सब्सटेंसेस ऐसी हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली ही प्रेजेंट हैं, बट अगर ह्यूमंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो हमारे लिए वो डेंजरस हो जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली भी प्रेजेंट है, काफ़ी नेचुरल सोर्सेज भी हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, काफ़ी ऐसे हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं। जैसे आपकी वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, नेचुरल इरप्शंस हैं, उनसे भी हमारे कुछ पॉल्यूटेंट निकल सकते हैं। बट हमारे ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, उनकी क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमने और ज़्यादा बढ़ा दी, हमने अपनी कार का इस्तेमाल किया, हमने इंडस्ट्रीज लगाई, उनसे पोल्यूशन हुआ और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो इसकी क्वांटिटी बढ़ने की वजह से ये पॉल्यूटिंग बन गया. That is why it is referred to as quantitative pollutant. तो यही चीज आपकी यहां पे लिखी हुई है कि कंसेंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो आपके ह्यूमन एनिमल प्लांट और प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचाती है. अगर बात करें क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट की, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट वो हैं जो कि नेचर में नेचुरली अक्कर नहीं करते, ये हमारे मैनमेड होते हैं, नेचुरली अक्कर नहीं करते. जैसे कीड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, डीडीटी ये सब हमने बनाया, ये सब भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, बट ये एनवायरनमेंट में नेचुरली अक्कर नहीं करते, ये हम इंसानों ने फैक्ट्री के अंदर बनाए हैं. तो ये हमारे क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट बन जाते हैं. तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी आंसर है भाई. उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है डिफरेंस. चलो जी, अगला सवाल बहुत सीधा सरल सवाल है. सवाल है ट्रैश इज अ फॉर्म ऑफ. ट्रैश किसका फॉर्म है? एयर पॉल्यूशन, इंडोर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन या फिर नॉइज पॉल्यूशन. ट्रैश किस कैटेगरी में आएगा? हां जी, कार्बन डाइऑक्साइड. अक्षिता जी क्वांटिटेटिव ही है. चलो, ट्रैश के ऊपर सवाल है कि ट्रैश कौन सी कैटेगरी में आएगा. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें ट्रैश की, ट्रैश क्या है आपका? कूड़ा कबाड़ ये सब ट्रैश है, गार्बेज आपका ट्रैश है. तो ये सब किस चीज़ को पल्यूट करते हैं? क्या एयर को, क्या इंडोर को, क्या लैंड को, क्या नॉइज़ को? ये सारे हमारे लैंड पोल्यूशन के अंदर आएंगे. जो गार्बेज वगैरह ये सब लैंड पोल्यूशन के अंदर आता है, ट्रैश वगैरह सब लैंड पोल्यूशन है. तो बहुत सीधा सा सवाल था कि जो भी आपका ट्रैश है जिसमें आपकी सारी कबाड़ की चीज़ें, बेकार की चीज़ें, वो सब चीज़ें आ जाएंगी, वो सारी आपकी लैंड को पल्यूट करेंगी, आपकी सॉइल को पल्यूट करेंगी और आपकी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिससे आपकी फूड चेन और पूरे इकोसिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा. आपके जो एनिमल्स हैं वो भी मर सकते हैं ऐसे ट्रैश को खाकर. प्लास्टिक अगर ट्रैश में है उसे एनिमल्स ने खा लिया. चलो जी, अब जो है फिर से रिकनेक्ट किया है और फिर से चल पड़ा है. पता नहीं क्यों आज बार बार दिक्कत आ रही है, बट अगेन माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पढ़ाई करके ही रहेंगे, चाहे जो भी दिक्कतें आएँ, जो सवाल हमें डिस्कस करने करके ही रहेंगे. तो लाइचेंस आर नेचुरल इंडिकेटर्स ऑफ. आपसे पूछा गया कि लाइचेन जो हैं वो किस चीज़ के नेचुरल इंडिकेटर हैं. हमारे पास एनवायरनमेंट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बता देती हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स बोला जाता है. और आंसर्स मेरे पास इसके आने शुरू हो गए. जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे आंसर दे रहे हैं. यहाँ पर क्या आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी का, और एक आंसर मुझे ऑप्शन नंबर ए का मिला है यहाँ पे. तो देखते हैं किसका आंसर यहाँ पे ठीक है. तो हमारे पास सोना गुप्ता जी जो हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, बाकी सबका आंसर यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया है. देखिए लाइचेंस आप देख पा रहे हैं, मैंने फोटो डाली है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बहुत ही माइन्यूट से होते हैं, बहुत ही छोटे से होते हैं. जूम करके देखो तो कुछ ऐसे होते हैं. तो लाइचेन जो है कहाँ ग्रो करते हैं? आपके रॉक्स पे, पत्थरों पे और आपके ट्री बाग पे, आपके पेड़ों पे और आपके पत्थरों पे ये ग्रो करते हैं. ये कैसे ग्रो करते हैं? ये पानी जो है उसे ऑब्जॉर्ब करते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो कर देते हैं. जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हें रेन वाटर से मिलते हैं, बारिश के पानी से इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. देखिए अगर आपकी एयर पॉल्यूटेड है तो बारिश का जो पानी होगा, जब बारिश नीचे गिरेगी तो उस पानी के अंदर आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे. जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो मिक्स हो जाएगा और उससे क्या होगा, आपकी रेन ना एसिडिक हो जाएगी. एसिड रेन आपने सुना होगा. तो इससे हमारे जो लाइचेंस हैं वो डैमेज हो जाएंगे और वो ग्रो नहीं करेंगे. तो आपको पता लग जाएगा कि अगर आपके जो लाइचेन है वो डैमेज हो रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर रहे, तो ये आपका नेचुरली एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एयर पॉल्यूशन बनेगा। तो जिन्होंने आंसर कुछ और दिया प्लीज एक बार अपना आंसर यहाँ पे चेक कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कहीं फिर से कोई दिक्कत ना आ जाए। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट। ऑप्शंस हैं केटल डंग, न्यूक्लियर वेस्ट, प्लास्टिक्स और हमारे पास पेस्टिसाइड्स। आपको बताना इनमें से कौन सा परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं अगेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स की, एक तरीका है परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स। देखिए जो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट हैं वो पॉल्यूटेंट हैं जो कि लंबे समय तक एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं, एनवायरनमेंट में लंबे समय तक बने रहते हैं, आसानी से वो डिग्रेड नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आप इन्हें बोल सकते हैं। जैसे आपका जो प्लास्टिक है हम उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक एनवायरनमेंट में एज इट इज बना रहता है, उसे डिग्रेड करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दी हैं उनमें से बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के, और यहाँ पे आंसर आपके बिल्कुल ठीक है। जैसा मैं आपको समझा रहा था परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट क्या है, वो पॉल्यूटेंट हैं जो एनवायरनमेंट में लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे आपके पेस्टिसाइड्स हैं, न्यूक्लियर वेस्ट है, प्लास्टिक है, आसानी से ये डिप्लीट नहीं होते। नॉन परसिस्टेंट आसानी से डिग्रेड हो जाएंगे, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे बैक्टीरिया फंगाई आसानी से इन्हें डिग्रेड कर देते हैं। जैसे आपका केटल डंग था, बहुत आसानी से डिग्रेड हो जाता है। आपकी जो सब्जियां वगैरह होती हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, ये सब आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये आपके नॉन परसिस्टेंट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। चलो जी बढ़ते हैं फटाफट से अगले सवाल की तरफ बिना कोई डिले के। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो तो तुम्हें मानूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेडॉन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। रेडॉन के बारे में कोई स्टेटमेंट्स आपको दी हैं और आपको राइट कोड यहाँ पे चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है रेडॉन इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इनडोर एयर पॉल्यूशन। सर हमने तो पहली बार सुना कि एयर पॉल्यूशन इंडोर भी होता है, हमें तो यही पता था कि पॉल्यूशन तो बाहर ही होता है, गाड़ियां जो हैं धुआं छोड़ती हैं, हमारी इंडस्ट्री से चिमनी से धुआं निकलता है तो आउटडोर एयर पॉल्यूशन होता है। हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि अंदर भी एयर पॉल्यूशन हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। अगली स्टेटमेंट है मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इंडोर रेडॉन इज यूरेनियम इन द सॉइल और रॉक ऑन विच होम्स आर बिल्ट। लंग कैंसर इज द प्रीडोमिनेंट हेल्थ इफेक्ट एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू एलिवेटेड लेवल्स ऑफ रेडॉन। देखते हैं इस सवाल का आंसर हमें कहां से सही मिलता है। चलिए मेरे पास आंसर्स तो आए हैं बट आई थिंक ये पिछले वाले के आंसर्स हैं, इसका आंसर नहीं आया मेरे पास अभी रेडॉन वाले का। देखिए रेडॉन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में एक चीज तो आपको याद रखनी जो जरूरी है वो ये है कि ये इनडोर एयर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, इनडोर एयर पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आता है। तो बताया गया कि आपके जो सॉइल के अंदर या फिर वो पत्थरों पे जिन पे आपका घर बना हुआ है, जैसे ये आपका घर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका किन पे बना हुआ है, पत्थरों पे, रॉक्स पे बना हुआ है। इन रॉक्स में बताया गया कि आपका यूरेनियम होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपके धीरे धीरे डिके होते हैं और उनमें से रेडॉन निकलता है। तो कहा गया कि इनमें जो नेचुरली यूरेनियम होता है वो ब्रेकडाउन होता है और उसमें से रेडॉन गैस निकलती है जो कि कलरलेस, ऑर्डरलेस और रेडियो एक्टिव गैस है। कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस मतलब कोई दुर्गंध नहीं है। एक्सपोजर टू रेडॉन बिकम्स अ कंसर्न। क्यों कंसर्न बन जाता है ये? क्योंकि अगर हमारी बिल्डिंग्स में, इंडोर्स में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे हमें लंग कैंसर भी हो सकता है। अगर हम इसे इनहेल कर लें, देखिए ये गैस है, इनहेल करेंगे हमारे लंग्स में जाएगी और हमारे लंग्स को ख़राब कर सकती है, हमारे लंग के अंदर कैंसर यहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ इसके बारे में आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको दिखाया कि कैसे जो रेडॉन है वो हमारे घरों के अंदर एंटर कर सकती है और हमारे इनडोर को भी पॉल्यूट कर सकती है। तो इनडोर एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। रेडॉन ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडोर एयर पॉल्यूशन करती हैं। पुराने ज़माने के चूल्हे जो इस्तेमाल होते थे, उसके अंदर से भी धुआं निकलता था। घर के अंदर आप टोबैको स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, उससे धुआं निकलेगा, वो भी एयर पोल्यूशन करेगा। ये सारी आपकी इनडोर कैटेगरी में आते हैं। चलो जी, अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी, अगले सवाल पे। अगला सवाल 7वां प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फिर से टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के ऊपर सवाल आ गया। सर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पे कितने सवाल पूछ डाले आज आपने? ये सवाल है पॉइंट वर्सेस नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन के ऊपर। असर्शन कह रही है नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू रेगुलेट। रीजन है नॉन पॉइंट सोर्स pollutants are emitted from multiple sources। आपको बताना है कि क्या ये बातें सही हैं और क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है या फिर नहीं है। चलो जी, अब हम आ चुके हैं 7वें पे। 6th का आई थिंक आप सबको क्लियर है, जो आंसर में गलतियां हुई थी आप सबको क्लियर है। 7वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए, अगर मैं आपको ब्रीफली सिंपली बताऊं कि क्या फर्क होता है पॉइंट और नॉन पॉइंट में। पॉइंट तो वो है जो कि आप पॉइंट करके बता सकते हैं कि यहां से पोल्यूशन हो रहा है। आपकी मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जो कि नदी किनारे लगी है और उसकी पाइप जो है वो नदी में जा रही है और वहां से आप देख रहे हैं कि उसका जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, केमिकल्स हैं, वो डायरेक्टली नदी में गेर दिए जा रहे हैं, नदी में डायरेक्टली उसे थ्रो अवे किया जा रहा है, डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। तो आप कह देंगे कि हाँ, मैं पॉइंट कर सकता हूं कि ये वो फैक्ट्री है जहां से वाटर पॉल्यूट हो रहा है। बट अगर आप पॉइंट नहीं कर सकते कि कहां से पानी आ रहा है, कहां से ये पोल्यूशन हो रहा है, तो वो आपके नॉन पॉइंट सोर्सेज हो जाएंगे। तो वो आपके नॉन पॉइंट सोर्सेज हो जाएंगे। और आंसर्स भी मेरे पास यहाँ पे बहुत बढ़िया आंसर्स आए हैं। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 7 का ए जो बोला है आप सभी ने बिल्कुल सही बोला है। पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन यही बताया गया कि अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन से पॉल्यूशन हो रहा है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन से पॉल्यूशन हो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज आपका पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया। नॉन पॉइंट सोर्स वो हैं जो कि ढेर सारे सोर्सेज से, जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा नाला है, नाले के अंदर आपका घरों से भी वेस्ट जा रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड से भी वेस्ट जा रहा है, कंस्ट्रक्शन की साइट से भी जा रहा है, रोड से भी जा रहा है, स्ट्रीट से भी जा रहा है, सब जगह से वहाँ पे वेस्ट जो है पहुँचता जमा होता जा रहा है। और वो नाला अल्टीमेटली आपका जो नदी है वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो रहा है, अल्टीमेटली वो किसी पानी के सोर्स में मिल रहा है। तो हम कहेंगे ये नॉन पॉइंट सोर्स है। बहुत अलग अलग सोर्सेज से पोल्यूशन हो रहा है। अब इसे रेगुलेट करना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते पोल्यूशन कौन कर रहा है। अगर हम बता सकते हैं कि ये पोल्यूशन कर रहा है, हम उसे पकड़ सकते हैं। बट अगर हमें पता ही नहीं कि इतने सारे सोर्सेज से पोल्यूशन हो रहा है तो हम पकड़ेंगे किसको? तो ये हमारे नॉन पॉइंट सोर्सेज बन जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका आंसर यहाँ पे बहुत बढ़िया आंसर था। लो जी, हाँ जी, बिल्कुल प्रेरणा जी, वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अगला सवाल का आंसर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 8वां क्वेश्चन आपके पास मैच द फॉलोइंग का सवाल है। इसमें आपको कुछ वाटर पॉल्यूटेंट दिए हैं और कुछ ह्यूमन डिजीजेस दिए हैं। और वाटर पॉल्यूटेंट जो है यहाँ पे हैं लेड, मरकरी, कैडमियम और आर्सेनिक। और आपको ह्यूमन डिजीजेस हैं इटाई इटाई, डिस्प्लेक्सिया, स्किन कैंसर और मिनामाटा। इनको मैच करके बताइए। इनको मैच करके आपको बताना है। मधु मेघानी जी कह रहे हैं कि आपने तो नजरिया ही बदल डाला, इतना पोल्यूशन। हाँ जी, इतना पोल्यूशन है जी, आपको पता भी नहीं है कितना पोल्यूशन हो रहा है। आप जहां बैठे हैं वहां भी पोल्यूशन हो रहा है। मैं तो कहता हूं हमें घर में मास्क लगा के ही बैठना चाहिए। और आंसर्स मेरे पास आने शुरू हुए हैं कुछ। देखिए, थोड़ा सा कठिन सवाल है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा कठिन सवाल है, बट आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। देखिए, इससे जुड़े हुए सवाल एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। नहीं आता तो भी इन चीज़ों को याद रखना है। देखिए, याद ही कर सकते हैं, समझने वाला तो कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो आपके ढेर सारे वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनसे कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। अगर आपका जो मरकरी है वो पानी में मिल जाए और उसे ह्यूमंस कंज्यूम कर लें तो ह्यूमंस को मिनामाटा डिजीज होती है, और उसे फिशेस कंज्यूम कर लें तो उन्हें ड्रॉप्सी होती है। तो ह्यूमंस को मिनामाटा डिजीज यहाँ पे होती है। लेड जो है उससे डिस्प्लेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया, आई थिंक ये वही बीमारी है जो कि तारे ज़मीन पर में भी हमें देखने को मिलती है। और ये भी कहा जाता है कि हम जो लेड है, जैसे पेंट के अंदर भी आपका जो लेड होता था, अगर हम बच्चे उसे सूंघ लेंगे, उसे खाने की कोशिश करेंगे पपड़ी को, तो उससे उनको ये सब बीमारियाँ हो सकती है, उनका दिमाग पर इफेक्ट हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास है आर्सेनिक, आर्सेनिक पॉल्यूटेड वाटर। देखिए आर्सेनिक पे ऊपर एक और सवाल एग्जामिनेशन में जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि हमारे ग्राउंड वाटर में नेचुरली आर्सेनिक भी प्रेजेंट है। तो बंगाल साइड वाले रीजन में आपके ग्राउंड वाटर में नेचुरली भी आर्सेनिक प्रेजेंट है। अगर आप ऐसा आर्सेनिक वाला पानी पीते हैं तो आपकी स्किन खराब हो सकती है और अल्टीमेटली आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास रह गया कैडमियम। कैडमियम अगर आपके पानी में मिल जाए तो आपको उससे इटाई इटाई, सर ये कैसा नाम है, इटाई इटाई जो है आपको याद रखना है। कैडबरी नहीं है, ये कैडमियम है। और कैडमियम अगर आप खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो आपको इटाई इटाई डिजीज हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको इन सब चीज़ों से भी बचना है। हर जगह पोल्यूशन है, जैसा मधु मेघानी जी कह रहे थे, नजरिया ही बदल गया है। सोना गुप्ता जी कह रहे हैं ये डिफरेंट है। चलो डिफरेंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको याद रखना है। आई थिंक इस डिस्कशन से आपको याद रह गया होगा, अब ये भूलेंगे नहीं आप, बस मकसद यही था आपको याद कराना। तो अब हम मैच कर लेंगे ना इन्हें आसानी से, इन्हें मैच करेंगे तो ऑप्शन डी आंसर बनेगा। चलो हम चल रहे हैं अब आगे, आज के 9वें सवाल पे आ चुके हैं। और सर आपने आज एक बार भी नहीं बोला इस वीडियो को लाइक करने के लिए। देखिए मैं डर गया था कहीं बीच में नेट ना बंद हो जाए, अब बोल देता हूँ आपको। देखिए इस वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे लाने का। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 आपका जुड़ा है थर्मल पोल्यूशन से। सर ये एक और नया पोल्यूशन आ गया, आप तो कुछ नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं आज। चलो पहली स्टेटमेंट है, पावर प्लांट्स, थर्मल एंड न्यूक्लियर, केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल पॉल्यूशन। स्टेटमेंट 2 है, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर डिक्रीजेज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर विच एडवर्सली अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ। आपको बताना है। मधु मेघानी जी कह रहे हैं पिटाई पिटाई, हाँ बिल्कुल पिटाई पिटाई, कैडमियम से आपको याद रखना है पिटाई पिटाई। देखते हैं इस सवाल का आंसर हमें कौन देता है। थर्मल पोल्यूशन से ही जुड़ा हुआ यह सवाल है। चलिए तो आंसर मेरे पास आने शुरू हो गए 9 के C, और काफ़ी अच्छे आंसर्स आपके यहाँ पे आए हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ थर्मल पोल्यूशन की, थर्मल जुड़ा है आपका हीट से, है ना, थर्मल आपका हीट से जुड़ा। आपका थर्मामीटर जो है बेसिकली आपका टेम्परेचर नापता है, तो थर्मल पोल्यूशन भी आपके टेम्परेचर से जुड़ा है। अगर आप बहुत गर्म पानी, देखिए हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पर क्या होता है, हम पावर जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टीम जनरेट करते हैं, उसे टर्बाइंस वगैरह रोटेट करते हैं। तो स्टीम जनरेट करने के लिए पानी को गर्म करना पड़ता है। अब ये जो गर्म पानी है अगर हम नदियों में डायरेक्टली छोड़ देंगे, देखिए बहुत गर्म पानी है इन पावर प्लांट्स में, अगर ये गर्म पानी हमने नदियों में डायरेक्टली छोड़ दिया तो कहा गया उससे वहाँ पे जो जीव जंतु हैं, वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको काफ़ी भारी नुकसान होता है, उनकी जान चली जाती है। अगर हमारे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर हमारे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर उसमें गर्म पानी मिल जाए, उससे हमारे पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन सबके लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन सभी एक्वेटिक फॉर्म्स के लिए ज़रूरी है, हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। अगर हमारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उन पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। और इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और आपके आंसर्स भी बहुत बढ़िया थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर होने वाला है। चलिए जी तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल, चलो जी आखिरी सवाल आपके लिए काफ़ी आसान सा सवाल दिया है आपको। आखिरी सवाल है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इंक्लूड हाइपरटेंशन, हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। आपको बताना है कि जो नॉइज पॉल्यूशन है, जो ध्वनि प्रदूषण है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ये आपको बताना है। देखिए अलग अलग तरह से पोल्यूशन हमें इम्पैक्ट कर रहा है। वाटर में भी पोल्यूशन है, घरों के अंदर भी पोल्यूशन है, और जो ढेर सारी नॉइज हम कर रहे हैं वो भी पोल्यूशन ही है। देखिए जो नॉइज पोल्यूशन है, अगर उसके इफेक्ट की बात करें, क्या है नॉइज पोल्यूशन? आप सभी समझते हैं नॉइज पोल्यूशन क्या है, साउंड से जुड़ा हुआ पोल्यूशन है। अगर बहुत तेज तेज आवाजें आपको लगातार सुननी पड़ती हैं, आपके जो घर है बिल्कुल ही एयरपोर्ट के पास है, आपका घर बिल्कुल ही मैरिज पैलेस के पास है, रोज वहां पे कोई शादी चल रही है, बहुत तेज तेज वहां पे जो है गाने वाने बज रहे होते हैं, तो आप जो है तंग आ जाएंगे। क्या होगा आपको? कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो बताया गया, पहली है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या हो जाएगा? आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप टेंशन में रहेंगे। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं तो आपकी हियरिंग भी जा सकती है, आपको सुनना भी कम हो सकता है। और रात को नींद तो आपको आने ही नहीं वाली। देखो अगर रोज़ रात को गाने बजेंगे, ढोल नगाड़ा बजेगा आपके बिल्कुल पास, तो आपको नींद तो आएगी नहीं, स्लीप भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी। और ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारे नॉइज़ पोल्यूशन के, और इसीलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। एक बहुत सीधा आसान सवाल था, और इसके आंसर आप सभी ने मुझे बहुत बढ़िया दिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नई चीज़ें आज सीखने को मिली हैं यहाँ से। प्रेरणा करें, पोल्यूशन ने जज्बात बदल दिए हैं। चलिए, आप हमें जज्बाती मत कीजिए अब, है ना। पोल्यूशन को छोड़कर और भी चीज़ें बहुत पढ़नी है। पोल्यूशन पे बहुत ज्ञान आपको आज दे दिया है। जो बातें आपको पता थी वो तो मुझे पता है कि आपको पता थी, और कुछ नई बातें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश हमने करी। चलो, तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये डिस्कशन पसंद आया है और आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। आपको जो लाइक्स हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, नेट में दिक्कत है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स मौजूद हैं जो कि हमें सपोर्ट करेंगे कि सर आप सेशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और हमारी वीडियोस और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है बांटने से डेफिनेटली बढ़ती है, नॉलेज कभी बांटने से घटती नहीं है। अगर आप किसी से कुछ शेयर करेंगे तो आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही सीखेंगे, वो भी आपके साथ कुछ शेयर करेगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सोना गुप्ता जी, कल का आरटीएम का टॉपिक आपको कल दोपहर को बता देंगे, है ना। ऐसा नहीं करना कि पूरा दिन लगा के एक वही टॉपिक पढ़ना है, ऐसा नहीं करना कि पूरा दिन लगा के एक ही टॉपिक पढ़ना है। आपको 3-4 घंटे पहले पता चल गया तो आप आसानी से तैयारी कर लेंगे। इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको तैयारी करने में। बिल्कुल, हमें भी बहुत मजा आया। प्रेरणा शुक्ला जी, थैंक यू। मधु मेघानी जी, काशिफ जी, श्वेता जी, मोस्ट वेलकम। मुस्कान जी, हाँ जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस आपके साथ लें। थैंक यू वाणीश्री, मदीहा, पीजी कॉमर्स क्लासेस, कृतिका, ग्रेड अप क्लासेस, आवेश, बहुत अच्छा लगा हमें भी आपके साथ जुड़ के। हाँ जी बिल्कुल, रेगुलर ही तो ले रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स पे तो ऑलरेडी काफ़ी सारे सेशंस ले भी चुके हैं। आप हमारे लाइव सेशंस पे जाएंगे यूट्यूब पे, आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे, और अब जो टॉपिक्स पे नहीं ले पाए हैं उन पे ले रहे हैं। तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं आज, तो इतनी सारी वीडियोस एमसीक्यू की आपको मिल जाएंगी कि आपका पूरा दिन एमसीक्यू की वीडियो देखते देखते ही निकल जाएगा। और सब में आपको ऐसे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं आपको ऐसे बेकार वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अच्छे अच्छे एनटीए नेट वाले लेवल के क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। हाँ जी बिल्कुल जी, प्रेरणा जी, इसी समय हमारी कोशिश रहती है आपके साथ जुड़ने की। चलो जी, तो इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगा कि आपको अपनी पढ़ाई एंड नहीं करनी है, आपको पढ़ते जाना है, आपको बढ़ते जाना है, और आपका जो उद्देश्य है नेट और जेआरएफ का, उसे पाकर ही रहना है। कोरोना आएगा चला जाएगा, बट आपको जो जेआरएफ और नेट मिलेगा वो आपके साथ रहेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।